नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस खास पेशकश CGPSC मेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। खास क्यों है ये प्रोग्राम, आइए जानते हैं। जब भी हम मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं, मेंस एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे ध्यान में क्या आता है कि CGPSC मेंस एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपकी लेखन शैली कैसी है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आपके मार्क्स कैसे आने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप पूरे सिलेबस को कवर करते हुए हर एक टॉपिक का अनुशासित रूप से लेखन प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप डिस्कशन कम्युनिटी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अपने आंसर पोस्ट करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे, तो आप ये जान सकते हैं कि आपका आंसर कितना बेहतर है और कितना बेहतर हो सकता है। फिर जब हमारे जो भी एक्सपर्ट फैकल्टी है उनके द्वारा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इसे किस डायरेक्शन में लिखना है और किन किन महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा, आपके लिखने की प्रैक्टिस से स्पीड जो है वो बढ़ेगी आपकी लिखने की, और जब आप मेंस का एग्ज़ाम दिलाओगे तो आप प्रॉपर टाइम मैनेज कर सकते हो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को लिखने में। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे हैं इस CGPSC मेंस प्रोग्राम के। जैसे कि आकाश सर ने, निकहत मैम ने और सत्येंद्र सर ने बताया है कि आपकी लेखन शैली कैसी होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके द्वारा दिए गए गाइडलाइंस है उससे आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगी, मैं डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट पर आऊँगी। मैं आप लोग को यहाँ पर CGPSC मेंस का जो पेपर नंबर 3 है उसका पार्ट 3 है, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, उसका ब्रिटिश रूल से पहले का जो इतिहास है, मतलब कि प्राचीन छत्तीसगढ़ और मध्यकालीन छत्तीसगढ़, एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडावल हिस्ट्री का जो पार्ट है वो मैं डील करने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जो जो स्टूडेंट डिस्कशन कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं वो हमारे वेबसाइट competitioncommunity.com इसमें जाकर डिस्कशन कम्युनिटी से जुड़े। आपको वहाँ पर शेड्यूल वाइज जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन शो हो रहे होंगे, आप उसके आंसर आइदर वहीं पर लिख सकते हैं टाइप करके, या फिर किसी नोटपैड में लिख के उसे इमेज के फॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, जितने भी YouTube सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी YouTube में जो हमारा वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, वो कृपया डिस्कशन कम्युनिटी में जाकर हमसे जुड़े, जो भी वहाँ पर क्वेश्चन शो हो रहे हैं उनके आंसर लिख के अपलोड करें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत लाभदायक है, बहुत हेल्पफुल है आपके CGPSC मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। 23 फरवरी को डिस्कशन कम्युनिटी में हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन छत्तीसगढ़ का पार्ट है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर गुप्त काल तक का, उसके 9 क्वेश्चंस अपलोड किए गए थे, उस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डील करने जा रही हूँ। देखिए, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ का अगर हम भार की बात करें तो CGPSC मेंस में इसका भार लगभग 75 मार्क्स का है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो सब्जेक्ट है, और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जो 9 क्वेश्चन जो डिस्कशन कम्युनिटी में अपलोड किए गए थे इसके आंसर कैसे होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग को पढ़ाने वाली नहीं हूँ कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में जो पूछा जा रहा है उसे पढ़ाया कैसे जा सके, उसे समझाया कैसे जा सके, ये मैं यहाँ पर नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल चर्चा करनी है या फिर एक्सप्लेन वे में इसकी जानकारी जाननी है तो हमारा मोबाइल कोर्स है, वहाँ पर सभी टॉपिक पे हमने एक्सप्लेन वे में चर्चा की है, तो आप उसे देख सकते हैं, उसके वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं इसके एक्सप्लेनेशन कैसे होने चाहिए, किस डायरेक्शन में होने चाहिए, इसके की पॉइंट्स कैसे होने चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे मिल सकता है। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, महापाषाणकालीन छत्तीसगढ़ के बारे में विवरण दीजिए, गिव डिटेल्स अबाउट मेगालिथिक छत्तीसगढ़। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का है और इसे हमें 60 वर्ड्स में लिखना है। इसका मतलब ये है कि लगभग 6 लाइन में इस क्वेश्चन के आंसर को हमें कवर करना है। तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए इस आंसर को लिखने पे, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि महापाषाण काल जो है वो किस काल को कहा गया, ये कब से प्रारंभ हुआ, इसका अर्थ क्या है और छत्तीसगढ़ की स्थिति उस समय कैसी थी, मतलब कि यहाँ के जो एविडेंस है वो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ प्राप्त हुए। इन 4 WH पे हम ध्यान रखेंगे और इस आंसर को हम लिखेंगे। तो महापाषाण काल का तात्पर्य उस काल से है
जब मृतकों को आबादी से दूर, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुआ करता था, वहां से दूर कब्रिस्तान में पत्थरों के बीच दफनाया गया। ये प्रारंभ कब से हुआ? ये 1000 बीसी की बात है, 1000 ईसा पूर्व से ये प्रारंभ हुआ। ताम्रपाषाण युग जो है वो प्रारंभ हो चुका था। ये वही समय है, लौह युग का समय है, जब क्या हुआ था कि शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े प्रस्तर के खंभों का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, अर्थ। तो देखिए, महापाषाण का अर्थ क्या होता है? महापाषाण का मतलब होता है बड़े बड़े जो प्रस्तर खंभे होते हैं उनसे बना कब्र। ठीक है, और इसके एविडेंस छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिले? तो इसके एविडेंस छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का मैदानी एरिया है वहाँ पर मिले, दुर्ग जिले के करही भदर, चिरचारी, सोरर और करका भाटा, इन सभी प्लेसेस में महापाषाण घेरे प्राप्त हुए। मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर बहुत सारे पत्थर के घेरे हैं, और वो क्या शो कर रहा है कि उस पर्टिकुलर एरिया में शवों को गाड़ा गया है, डेड बॉडी को दफनाया गया है। ठीक है, रायपुर जिले में बड़े बड़े पत्थर के शिलाखंड प्राप्त हुए शवों को गाड़ने के लिए, और धनोरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये बालो जिले के अंतर्गत आता है, धनोरा नामक प्लेस में 500 महापाषाण युगीन स्मारक प्राप्त हुए। स्मारक का मतलब होता है मोन्यूमेंट्स, जो मोन्यूमेंट्स होते हैं वो भी यही होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं, शवों को दफनाने के लिए इनका प्रयोग किया गया और इन्हें क्या कहा गया? महापाषाण युगीन स्मारक कहा गया। इसका जो सर्वे है वो जे.आर. कांबले और डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र ने किया था। तो आपके क्वेश्चन के आंसर में इतने पॉइंट्स जो हैं वो होने चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? कि महापाषाण काल जो है वो कब से प्रारंभ हुआ? 1000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। क्यों कहा गया इसे महापाषाण काल? क्योंकि इस टाइम जो है, जो मनुष्य होते थे उनके शवों को कब्रिस्तान में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था, और ये जो बड़े बड़े प्रस्तर के स्तंभ हुआ करते थे, जो स्टोन मॉन्यूमेंट्स हुआ करते थे, इन्हें क्या कहा गया? महापाषाण युगीन स्मारक कहा गया। छत्तीसगढ़ में इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ प्राप्त हुए? तो इसके साक्ष्य जो हैं वो दुर्ग, रायपुर और बालो जिले के अंतर्गत, दुर्ग में ये जितने भी प्लेसेस हैं, करीबदर, चिचारी, सोरल, करका भाटा और बालोद में धनोरा नामक प्लेस पे 500 महापाषाण कालीन स्मारक प्राप्त हुए हैं। तो इतने जो पॉइंट्स हैं, इतने जो तथ्य हैं, ये आपके क्वेश्चन के आंसर में होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा आपका आंसर जो है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे इससे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कब गुप्तों के अधीन हुआ? व्हेन डिड छत्तीसगढ़ कम अंडर द गुप्तास? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गुप्तों के अधीन कब हुआ छत्तीसगढ़। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में लिखना है। मतलब कि इस क्वेश्चन को भी हमें लगभग लगभग 6 लाइन में लिखना है, कवर करना है। ठीक है, तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर हम पैराग्राफ वे में लिखेंगे। हम पूरी स्टोरी बताएंगे कि कैसे जो छत्तीसगढ़ है वो गुप्तों के अधीन हुआ। तो इसके अब जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? समुद्रगुप्त से होता है। समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश का बहुत ही प्रतापी शासक है। जब ये राजगद्दी पर बैठा, कब बैठा ये राजगद्दी पर? 335 ईस्वी में जब ये राजगद्दी पर बैठा, तो इसने पूरे भारत विजय की ठान रखी थी, और बालचंद्र जैन के अनुसार छत्तीसगढ़ जो है वो मगध के गुप्त वंश के प्रभाव में तब आया जब समुद्रगुप्त जो है वो आर्यावर्त के जितने भी शासक थे, मतलब कि उत्तर भारत के जितने भी शासक थे, उन पर विजय प्राप्त करके वो जब दक्षिणापथ की विजय यात्रा प्रारंभ किया, तब जो छत्तीसगढ़ है वो किसके अधीन हुआ? गुप्तों के अधीन हुआ। जब दक्षिणापथ की यात्रा वो प्रारंभ कर रहा था, तो दक्षिण कौशल के एरिया से भी होकर गुजरा। जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है हरिसेन, किसकी बात कर रही हूँ मैं? हरिसेन की बात कर रही हूँ। इसने प्रयाग, मतलब कि इलाहाबाद का जो एरिया है, वहाँ पर लौह स्तंभ पर एक प्रशस्ति लिखी है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना या स्तुति करना। तो उसने अपने राजा समुद्रगुप्त की प्रशंसा करते हुए 33 पंक्तियों का अभिलेख लिखा है, और उसकी 19वीं पंक्ति में छत्तीसगढ़ के जो दो शासक हैं,
कोसल के राजा महेंद्र, संभवतः ये वाकाटकों का सावंत होगा या तो सरपुरी वंश का शासक होगा, और महाकांतर के राजा व्यागराज, ये नल वंश का शासक है, बस्तर क्षेत्र में जो राज्य करता था। मैंने क्या कहा, इसकी 19वीं पंक्ति में क्या लिखा है, कोसल के राजा महेंद्र और महाकांतर के राजा व्यागराज को समुद्रगुप्त ने युद्ध में पराजित किया और उन्हें अपना राज्य वापस कर दिया। इसका मतलब ये है कि इनके राज्य को उसने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, ये राज्य जो थे वो केवल गुप्तों के अधीन हो चुके थे, ये उन्हें कर दिया करते थे, और इसके साथ साथ समय समय पर ये इन्हें सैनिक सहायता दिया करते थे। तो ये वही समय था जब समुद्रगुप्त जो है वो दक्षिण अभियान उसने प्रारंभ किया था, और उसने यहाँ के जो राजा थे कोसल, मतलब कि जो दक्षिण कौशल का एरिया है वहाँ के राजा महेंद्र, और महाकांतर मतलब कि बस्तर का जो एरिया है वहाँ के शासक व्यागराज को युद्ध में पराजित किया और उन्हें उनका राज्य जो है वापस लौटा दिया। तब से ये जो एरिया था ये गुप्तों के अधीन आ चुका था। इसके बाद से यहाँ पर गुप्त संवत प्रयोग होने लगा। तो आपको ये सारी बातें बतानी है इस 6 लाइन में, स्टोरी के फॉर्म में बताने कि कैसे छत्तीसगढ़ जो है वो गुप्तों के अधीन हो गया, ये जो एरिया था उसे गुप्तों ने, समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, ये सिर्फ उनके अधीन थे, ये इन्हें कर दिया करते थे और समय समय पर सैनिक सहायता दिया करते थे। ठीक है, तो ये आपके 6 लाइन के आंसर में होना चाहिए, इनकी स्टोरी होनी चाहिए। और ये जो प्रमुख बातें हैं, समय, हरिशेड उनका दरबारी कवि 19वीं पंक्ति में लिखा गया था, और ये 2 शासकों की चर्चा की गई थी, और वो कैसे अधीन हुआ ये आपको अपने आंसर में बताना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसल क्षेत्र का महाभारत काल से संबंध स्थापित कीजिए, एस्टैब्लिश कोसल रीजन विद महाभारत पीरियड। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है और 60 वर्ड्स में हमें लिखना है। इस क्वेश्चन में 2 शब्द का प्रयोग किया गया है, पहला तो है कोसल और दूसरा है महाभारत काल। ठीक, तो इस समय का हमें इस क्षेत्र से संबंध जो है वो स्थापित करना है। ठीक, तो पहले तो हम ये जानेंगे कि महाभारत काल जो है वो कब से कब तक का था। तो महाभारत जो है एक संस्कृत महाकाव्य है, इसकी जो रचना है वो वेदव्यास जी ने की थी, और ये समय था 600 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। ठीक है, तो ये वही काल है जहाँ पर महाभारत की रचना की गई थी, और इस समय महाभारत काल के समय छत्तीसगढ़ का जो मध्य छत्तीसगढ़ का एरिया है, मैदानी एरिया है, उस क्षेत्र को कोसल के नाम से जाना जाता था, और जो बस्तर का रीजन है, बस्तर का अरण्य क्षेत्र है, उसे कांतार के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब ये है कि जो मैदानी एरिया है इसका संबंध हमें महाभारत काल से स्थापित करना है। अब कैसे स्थापित करना है, तो जो महाभारत काल के कैरेक्टर्स हैं वो इस प्लेस से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, और यही हमें इस आंसर में लिखना है। देखिए हर क्वेश्चन की अपनी अलग अलग डिमांड होती है, किसी क्वेश्चन को हमें टेबलर फॉर्म में लिखना चाहिए, तो किसी क्वेश्चन को हमें पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना चाहिए, या कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर वो पैराग्राफ के फॉर्म में लिखने के लिए बना होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है ये भी डिपेंड करता है कि उसे हमें किस फॉर्म में लिखना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क्स का है, लेकिन इसे हमें इसमें बहुत सारी जानकारियाँ देनी है, वो भी सिर्फ 6 लाइन पे। तो हमें अपने शब्दों को ऐसे उपयोग करना है, अपने प्रेजेंटेशन को ऐसे लाना है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, हम कम शब्दों में बहुत कुछ बता सकें। ठीक है, तो इसका आंसर हम वैसे ही लिखेंगे। हमको संबंध स्थापित करना, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का जो मध्य छत्तीसगढ़ का रीजन था उसे कोसल कहा जाता था, और बस्तर का जो एरिया था उसे कांतार कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद हम ये बात करेंगे कि इसका जो उल्लेख है, क्षेत्र का उल्लेख है कर्ण की विजय यात्रा में, और राजा नल ने भी जब वो दक्षिण दिशा का मार्ग बता रहे थे तो उन्होंने इस क्षेत्र का उल्लेख किया है। ठीक है, कैसे किया है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो राजा कर्ण हैं जब वो अपनी विजय यात्रा में जा रहे थे तो उन्होंने कोसल जनपद का प्रयोग किया है, और जब राजा नल जो थे वो दक्षिण दिशा का मार्ग बता रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा कि विंध्य के दक्षिण में कोसल नामक राज्य है। ठीक है, महाभारत का जो ग्रंथ है वहाँ से इस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं आइए हम देखते हैं। सबसे पहला क्षेत्र है गुंजी। गुंजी जो है वो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ पर ऋषभ तीर्थ नामक स्थल का उल्लेख किया गया है, और ये बताया गया है कि
इस ऋषभ तीर्थ में जाकर स्नान करने से और 3 दिन का उपवास रखने से वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये जो ऋषभ तीर्थ है ये महाभारत कालीन स्थल है और यहाँ पर भीमा नामक तालाब भी है। भीमा मतलब कि राजा भीम, उसके नाम पर ये तालाब का नाम रखा गया है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों प्लेस है ये क्या है, महाभारतकालीन स्थल है। ठीक, दूसरा स्थल है रतनपुर। रतनपुर को महाभारत काल में मणिपुर कहा जाता था, मतलब कि जब इसका उल्लेख किया गया ग्रंथों में तो इसे क्या कहा गया, मणिपुर कहा गया। ये जो मणिपुर है वो महादानी राजा मोरध्वज और उसके बेटे ताम्रध्वज की राजधानी थी। ये जो दोनों शासक है ये महाभारत कालीन है। ये इसकी जो स्टोरी है वो अर्जुन और कृष्णा से संबंधित है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं ये महाभारत कालीन है और इनकी राजधानी क्या थी, रतनपुर थी, जो कि उस समय मणिपुर के नाम से इसे जाना जाता था। सिरपुर, सिरपुर को चित्रांगदपुर कहा जाता था महाभारत काल में, और अर्जुन का जो बेटा भबरुवाहन है ये चेदी वंश का शासक था और ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, चित्रांगदपुर थी। उसके बाद खल्लारी, खल्लारी को प्राचीन समय में महाभारत काल में खल्ला वाटिका के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर लाक्षागृह के अवशेष प्राप्त हुए। देखिए महाभारत के 18 पर्व है, उसमें से एक पर्व है लाक्षागृह। लाक्षागृह मतलब कि लाख का बना हुआ घर था, जो कि दुर्योधन ने षड्यंत्र के तहत क्या किया था, पांडवों के लिए बनवाया था। तो लाक्षागृह के साक्ष्य प्राप्त हुए खल्लारी में और यहाँ पर भीम के पद चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। आरंग, आरंग जो है इसे उस समय भांडेर के नाम से जाना जाता था और ये इसे मोरध्वज की नगरी कहा जाता था। ठीक है, तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मोरध्वज, ताम्रध्वज, भबरुवाहन, भीम, ये सभी के सभी कैरेक्टर जो है वो महाभारतकालीन है और ये कोसल का जो क्षेत्र है, रतनपुर, सिरपुर, खल्लारी, आरंग और जांजगीर चांपा, इन क्षेत्रों से संबंधित है। तो आप चाहो तो इसे पैराग्राफ फॉर्म पे लिख सकते हो, लेकिन चूंकि हमारे पास स्पेस कम है, ठीक है, 6 लाइन में हमें इसे कंप्लीट करना है, तो हम बेहतर होगा कि हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखें और अपने आंसर को बहुत अच्छे से एक्सपोज कर सकें। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोगी मारा गुफा की चित्रकारी में क्या विवरण दिया गया है, व्हाट डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द पेंटिंग ऑफ जोगी मारा केव। तो देखिए जोगी मारा गुफा में जो भी चित्रकारी की गई है हमें उसकी जानकारी देना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ यही पूछा गया है कि जोगी मारा की गुफा में जो चित्रकारी है उसके बारे में हमको विवरण देना है, ना उससे आगे हमको कुछ लिखना है और ना ही उसके पीछे कुछ लिखना है। ये जो CGPSC का एग्ज़ाम है ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये आपके अंडरस्टैंडिंग का भी टेस्ट है। वो जो एग्जामिनर है वो जानना चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि वो क्या पूछ रहा है। वो ये भी जानना चाह रहा है कि जिस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है उसमें आपकी समझ कैसी है। ठीक है, तो सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का भी टेस्ट है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जितना पूछा गया है सिर्फ उसका ही आपको जवाब देना है, ना ही उससे आगे आपको कुछ लिखना है और ना ही आपको उससे कम या फिर पीछे कुछ लिखना है। ठीक है, जो पूछा गया है उस पर केंद्रित होकर आपको आंसर लिखना है। अच्छा एक बात और, मैंने जब भी मेंस का आंसर शीट जो है चेक किया है तब भी मैंने देखा है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो छत्तीसगढ़ को हमेशा छग लिखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, छत्तीसगढ़ लिखने में कितना समय लगता है, आप उसके फुल फॉर्म को लिखिए। चाहे हम हिंदी की बात करें या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश में भी लोग CG लिख देते हैं। CG क्या है, आपको जब भी लिखना है छत्तीसगढ़ तो आप क्या लिखोगे, छत्तीसगढ़ के पूरे स्पेलिंग के साथ लिखोगे, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज की बात करें या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें। ठीक है, अब हम आते हैं आंसर पे। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया जोगी मारा गुफा के बारे में, तो पहले आपको ये बता रहे हैं कि जोगी मारा का जो स्थान है वो कहाँ है। तो आप क्या बताओगे, जोगी मारा का गुफा जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंतर्गत अंबिकापुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित एक गुफा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है कि रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा है, लक्ष्मण बेंगरा है, अंजलि टीला, आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है। एग्जामिनर ये सोच के बैठा है कि आपको बाकी सब कुछ पता है, वो सिर्फ यही जानना चाहता है कि जोगी मारा की गुफा की जो चित्रकारी है उसके बारे में क्या जानते हो आप। ठीक है,
तो आपको ना सीता बेगरा की जानकारी लिखनी है, ना आपको अंजलि टीला की जानकारी लिखनी है, ना आपको लक्ष्मण बेगरा की जानकारी लिखनी है। अब ये जो जोगी महाराज की गुफा है, ये रामायणकालीन स्थल है, ये आपको पता है, लेकिन आपको रामायणकालीन स्थल के बारे में नहीं जाना है कि क्या हुआ था, राम जी यहाँ पर आए थे, विश्राम किए थे, आपको ये सब नहीं बताना है। आपको सिर्फ किसके बारे में बताना है, चित्रकारी के बारे में बताना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का है और 100 शब्दों में आपको लिखना है, तो फोकस करते हैं इस पर। तो जोगी महाराज की जो गुफा है वो रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है। इस गुफा में एक्चुअली क्या था, अब आप इसकी स्टोरी बताएंगे कि इस गुफा में क्या था कि सुतनुका नाम की देवदासी निवास करती थी और वो जो थी वो परंपरा के विरुद्ध वाराणसी के जो कलाकार है देवदीन उसके प्रेम में थी। ठीक है, तो आप ये बताओगे कि ये दोनों जो थे प्रेमी थे और चूंकि परंपरा के विरुद्ध इन लोग जो थे एक दूसरे को प्रेम करते थे, एक दूसरे के में प्रेम भाव रखते थे, तो हुआ क्या कि सुतनुका के वियोग में ये जो देवदीन है, ये जो कलाकार है, शिल्पी है, इसने अपने प्रेम को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अपने हृदय के जो भी उद्गार थे, जो भी उसकी फीलिंग्स थी अंदर की, उसे उसने क्या किया कि उस गुफा के जो भित्ति थे, जो दीवार थे, उसमें उसने अपने हृदय के उद्गार को उसने लेख के रूप में वहाँ पर लिखा। ये जो लेख है 5 पंक्तियों में लिखा गया है, जो पूरा का पूरा सुतनुका और देवदीन पर केंद्रित है। ये जो लेख है वो ब्राह्मी लिपि में और पाली भाषा में लिखा गया है, मतलब कि ये समझ में आ रहा है कि ये समय कौन सा था, लगभग ईसा पूर्व की 2री शताब्दी के आसपास की बात है, मतलब कि जब मौर्य काल चल रहा था, ये तब की बात है। इसलिए हम ऐसा कह भी सकते हैं कि ये जो लेख है ये छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम लेख माना जाता है इसको। ठीक है, इस लेख को छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम लेख माना जाता है। और इस लेख में क्या केंद्रित है, कौन सा विषय केंद्रित है, तो इसमें सुतनुका और देवदीन के प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है, उनकी प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। पूरा जो लेख है ये इन्हीं पर केंद्रित है, 5 पंक्तियों का लेख है जिसमें ये बताया गया है कि ये दोनों किस प्रकार से एक दूसरे के प्रेम में थे और जो देवदीन है वो सुतनुका के वियोग में उसने अपने हृदय के जो भी उद्गार थे उसे लेख के रूप में यहाँ पर अंकित किया है। ठीक, इसके अतिरिक्त यहाँ बहुत सारे भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। ये जो चित्रकारी है ये उसी शैली में की गई है जिस शैली में अजंता एलोरा की गुफा मंदिरों में जो चित्रण हुआ है, जो चित्रकारिता की गई है, उसी शैली में यहाँ भी चित्रकारी की गई है। और इस पूरी चित्रकारी में जो भी सुतनुका देवदीन, मतलब कि कहीं कहीं से देवदत्त भी कहा जाता है, इन दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन जो है वो चित्रकारिता के रूप में भी किया गया है। तो आपको ये भी बताना है, एक तो लेख के बारे में बताना है, वहाँ की चित्रकारी के बारे में बताना है, ये किस भाषा और किस लिपि में है आपको उसके बारे में बताना है, ये किस काल से संबंधित है तो मौर्य काल से संबंधित है आपको ये बताना है, ये छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम लेख है आपको ये बताना है, और आप अंतिम में ये बता सकते हैं कि भारत की चित्रकला एक बुक है, उस बुक में इस गुफा को क्या कहा गया है, वरुण मंदिर कहा गया है। 1904 में इस गुफा का अवलोकन जो है वो कैप्टन टी ब्लॉस ने किया था, ये भी आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरा अपना जो आंसर है वो जोगी महाराज गुफा पर केंद्रित करके लिखना है, उसके चित्रकारी पे, उसके लेख पे आपको केंद्रित करके लिखना है, और आपको ना ही सीता बेंगरा पर जाना है और ना ही लक्ष्मण बेंगरा पर जाना है। ठीक है, तो जो पूरा जो आंसर होगा वो सुतनुका और देवदीन, ये जो सुतनुका देवदासी और जो देवदीन कलाकार है, इन पर केंद्रित होना चाहिए आपका जो आंसर है वो। ठीक, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश की सत्ता के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द अवेलेबल एविडेंस रिगार्डिंग द पावर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सातवाहन वंश की सत्ता के संबंध में जो भी यहाँ पर एविडेंस प्राप्त हुए हैं आपको वो बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये CGPSC मेंस में पिछले साल पूछा गया था और इस क्वेश्चन को मैंने एज इट इज़ यहाँ पर रखा है। सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि जब हम सातवाहन डायनेस्टी की बात करते हैं तो जनरली चर्चा किस पे होती है कि जो भी एविडेंस यहाँ पर प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ में इस डायनेस्टी से रिलेटेड, हमेशा उसकी चर्चा की जाती है। और जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो किसी भी फॉर्म में पूछा गया हो वो इससे ही संबंधित होता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने 8 मार्क्स में 100 वर्ड्स में लिखने के लिए रखा है। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि सातवाहन जो वंश है वो दक्कन और मध्य भारत के क्षेत्र में मौर्यों के उत्तराधिकारी थे। ये जो वंश है 60 ईसा पूर्व की बात है, 60 BC की बात है, जब इसका जो शासक था सिमुक
उसने मगध के कर्ण वंश के जो शासक सुशर्मा थे उसे पराजित करके मध्य भारत के कुछ क्षेत्र पर अपने सत्ता की स्थापना की थी। इसके राज्य विस्तार की बात करें तो नर्मदा से लेकर कृष्णा नदी तक इस वंश का राज्य विस्तार था और इसकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान थी। तो आपको थोड़ी सी जानकारी इसकी देनी है, इसके राज्य के बारे में जानकारी देनी है, संस्थापक कौन था, शिमुक था, इसके बारे में जानकारी देनी है, और राजधानी क्या है, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान कहाँ है, महाराष्ट्र जिला के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र जो है, तो आपको इसकी जानकारी थोड़ी सी देनी पड़ेगी क्योंकि हम सातवाहन सत्ता की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप बात करेंगे कि इस वंश का जो प्रमुख शासक था वो कौन था, गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जिसका शासनकाल कब से कब तक था, 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक। ठीक है, ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है इसने कोसल और कलिंग पर नियंत्रण स्थापित किया था। कोसल मतलब कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, मध्य छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वहाँ पर। तो जब गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है राजा बनता है तब छत्तीसगढ़ जो है वो सातवाहन वंश के नियंत्रण में आता है, उसके प्रभाव क्षेत्र में आता है, और उसके बाद यहाँ पर इस क्षेत्र में इस वंश के क्या मिलते हैं, एविडेंस प्राप्त होते हैं। अब वो एविडेंस कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, कौन कौन से प्राप्त होते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये आपको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है कि सातवाहन कालीन मुद्रा प्राप्त हुए। देखिए पुराणों में सातवाहन शासकों की जो जानकारी मिलती है उसमें ये पता चलता है कि सातवाहन जो वंश थे वो 30 से अधिक शासक थे, लेकिन मैंने यहाँ पर जो भी शासकों की चर्चा की है वो जो शासक थे वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, हम उनकी चर्चा करेंगे, उनकी बात करेंगे। तो देखिए जो सातवाहन कालीन मुद्रा है, राजा अपिलक के सिक्के जो है, राजा अपिलक के 4 सिक्के बालपुर में प्राप्त हुए हैं और मल्हार में प्राप्त हुए हैं। बालपुर, बिलासपुर, ये दोनों जो क्षेत्र ये बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, रोमकालीन सिक्के, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सातवाहन जो शासक थे उनका जो व्यापार था वो पश्चिमी जो देश है रोम वहाँ तक फैला हुआ था, तो रोमकालीन सोने के सिक्के यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। जो चकरबेड़ा प्लेस है बिलासपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर रोमकालीन 2 सिक्के प्राप्त हुए हैं सातवाहन वंश के। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि राजा अपिलक के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए हैं, बालपुर में प्राप्त हुए और मल्हार में प्राप्त हुए हैं, और जो रोमकालीन स्वर्ण की मुद्रा है वो कहाँ प्राप्त हुई है, चकरबेड़ा में प्राप्त हुई है, गुंजी में। गुंजी जो ऋषभ तीर्थ है शक्ति के निकट जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर प्राकृत भाषा में लिखा हुआ एक लेख प्राप्त हुआ है जो कि किसका है, राजा वरदत्त श्री का है। पहली शताब्दी में ये लिखा गया था और इसमें क्या बताया गया इस लेख में, देखिए किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। ठीक है, क्या बताया गया था इस लेख में, इस लेख में ये बताया गया था कि राजा वरदत्त ने अपनी आयु को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गायें दान में दी थी और ऐसा वो अगले वर्ष भी करता है। ठीक है, तो इस लेख में क्या जानकारी मिल रही है, राजा वरदत्त श्री की जानकारी मिलती है, उसने जो ब्राह्मणों को दान दिया था 1000 गायें दान की थी उन्होंने, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। कास्ट का जो यज्ञ यूप या यज्ञ स्तंभ कह सकते हैं, काठ से बना यज्ञ स्तंभ जो है वो किरारी नामक गांव में, जो कि डबरा तहसील के अंतर्गत आता है, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है, 1921 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसकी खासियत क्या थी, ये जो यज्ञ स्तंभ था ये तालाब में गड़ा हुआ प्राप्त हुआ था और इसमें लेख लिखे हुए थे जो कि क्या बता रहे थे कि उस समय जो राजकर्मचारी हुआ करते थे उनके पद कैसे थे, मतलब कि उनके पदों का उल्लेख किया गया था, वहाँ के जो राजकर्मचारी थे उनके पदों का उल्लेख किया गया था इस यज्ञ स्तंभ में। ठीक है, तांबे के सिक्के, यहाँ पर आयताकार तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये जो तांबे के सिक्के हुआ करते थे उसके लेफ्ट साइड में हाथी अंकित थे और राइट साइड में स्त्री या नाग अंकित थे। ठीक है, ये दूसरी शताब्दी के आसपास की बात है। मिट्टी के मुहर जो है मल्हार में प्राप्त हुए, ये जो मिट्टी के मुहर थे उसमें वेद श्री के बारे में लिखा हुआ था, ये भी एक शासक है, वेद सुरस करके लिखा हुआ है, बहुत सारे लेख हैं यहाँ पर। विष्णु की लेख युक्त प्रतिमा, देखिए विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है मल्हार के निकट बूढ़ी खान नामक ग्राम में, ये विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है, लेख युक्त प्रतिमा है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और इस प्रतिमा को बनाया किसने था, तो इस प्रतिमा का निर्माण जो है प्रजावती और भारद्वाजी नामक दो स्त्रियों ने इस प्रतिमा को बनाया था। यहाँ पर छत्रप सिक्का भी प्राप्त हुआ जो कि आरंग क्षेत्र में प्राप्त हुआ है।
तो इस प्रकार से सातवाहन कालीन साक्ष्य जो है वो छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए। देखिए जितने भी एविडेंस प्राप्त हुए वो कहाँ से संबंधित है, बिलासपुर का जो एरिया है स्पेशली वहाँ पर केंद्रित है, बिलासपुर जांजगीर चांपा ये वाला जो एरिया यहाँ पर केंद्रित है, तो इस क्षेत्र पे सातवाहन सत्ता का प्रभाव था, यहाँ पर उनका नियंत्रण था। जितने भी शासक है राजा अपिलक, वेदश्री, वरदत्त सिंह, आप इनका नाम याद रखिएगा, मोस्टली जो एविडेंस है वो मल्हार से प्राप्त हुए ये याद रखिएगा। जब भी राजा वरदत्त की बात आएगी तो क्या आपको याद रखना है कि उसने ब्राह्मणों को गायें दान में दी थी, ठीक है। तालाब में डूबा हुआ जो काष्ठ का स्तंभ था उसमें राजकर्मचारियों के पदों का उल्लेख किया गया था, विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो ये सब जो है आपको याद रखना है और इसी साक्ष्यों के बारे में आपको पॉइंट वाइज लिखना है, 100 शब्दों में लिखना है, मतलब कि आपके पास 10 लाइन है, आप बहुत ही अच्छे से वेल प्रेजेंट करके इसे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में रामायण काल की महत्ता को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रामायण पीरियड इन छत्तीसगढ़। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रामायण काल का इम्पोर्टेंस क्या है छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू में, आपको ये बताना है, ना कि आपको ये बताना है कि रामायण काल की स्टोरी क्या थी, ना ही आपको ज़्यादा फोकस उस चीज़ों पर करना है जहाँ पर आपको ये बताया जाए कि रामायणकालीन स्थल कौन कौन से, आपको इस पर फोकस नहीं करना है, आपको ये बताना है कि रामायण काल की इम्पोर्टेंस क्यों है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 शब्दों में लिखना है, 10 लाइन मिलेंगे आपको लिखने के लिए और आपको बहुत कुछ इसमें बताना पड़ेगा। तो स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। देखिए सबसे पहले आप लोगों को तो ये बताना पड़ेगा कि रामायण क्या है, एक महाकाव्य है, एक ग्रंथ है जिसकी रचना जो है 600 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, और जो भी हम रेफरेंस लेने वाले हैं, जो स्टोरी बताने वाले हैं, वो कहाँ से लिया गया है, अप्रकाशित ग्रंथ कोसल खंड से लिया गया है और कालिदास की रचना रघुवंश से ली गई है, ठीक है। अब हम स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी ऐसी थी कि रामायण काल में कोसल नामक एक क्षेत्र था, कोसल जो है वो आज का जो छत्तीसगढ़ का एरिया ये मान सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है इसी की चर्चा की जा रही है। तो रामायण काल में कोसल नामक एक क्षेत्र था जहां पर भानुमंत नाम का शासक हुआ करता था, इसकी बेटी थी कौशल्या, मतलब कि कौशल्या जो थी वो कोसल प्रदेश की राजकुमारी थी। इनका विवाह अयोध्या के शासक दशरथ से हुआ था। चूंकि भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था तो इसकी मृत्यु के बाद ये जो एरिया था, ये जो राज्य था, वो किसे प्राप्त हुआ, राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे जिनमें से एक थे श्रीराम, इनके 2 बेटे थे लव और कुश। तो आपको पहले ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा, इसे बताना पड़ेगा, उसके बाद हम महत्ता पे आते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जो है वनवास के लिए निकले तो उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था और उनके वनवास काल के दौरान लगभग 10 वर्ष का समय उन्होंने छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया था। ऐसे कुल 75 स्थल थे जहां पर श्री राम ने भ्रमण किया था और उनमें से ऐसे 51 स्थल है जहां पर वो कुछ समय रुककर व्यतीत किए थे। इस 51 स्थल को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है और इस योजना का नाम क्या है, राम वन पथ गमन योजना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है वो धार्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से और पौराणिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको इस क्षेत्र से अवगत कराने के लिए, उनको रिलीजियस तौर पर या हिस्टोरिकल तौर पर उन्हें कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो भी लोग हैं उन्हें धार्मिक और पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से उन्हें कनेक्ट करने के लिए इन क्षेत्रों का पर्यटन के रूप में विकास किया जा रहा है, इन्हें विकसित किया जा रहा है, जिससे क्या हो कि यहाँ के लोग जो हैं इस क्षेत्र के बारे में जाने, उससे अवगत हो, हमारा जो हिस्ट्री था, हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कैसा है, ये पौराणिक जो कैरेक्टर्स है ये कैसे इससे संबंधित है, इससे वो जान सके, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जा रहा है, राम वन पथ गमन करके योजना आई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जहाँ पर इस टोटल 51 स्थलों को विकसित किया जाना है। इसका जो पहला चरण है इसमें 8 स्थलों को विकसित किया जाएगा और जो बाकी जो 43 स्थल है उसे इसके दूसरे चरण में विकसित किया जाएगा। मतलब कि पहले चरण में कौन कौन सा नाम है हम वो देख लेते हैं। तो पहले चरण में जो नाम है वो सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़ की पहाड़ी, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंद्रखुरी, राजिम, सिहावा और जगदलपुर है, ठीक है। देखिए जितने भी स्थल हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका जो आधार है, इस पर जो शोध किया गया है, रिसर्च किया गया है, वो छत्तीसगढ़ अस्मिता प्रतिष्ठान रायपुर के द्वारा किया गया है
और मनुलाल यदु की जो किताब है दंडकारण्य रामायण, और डॉक्टर हेमू यदु के प्रकाशन में जो किताब बनी है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, उसके आधार पर जो भी रिसर्च किए गए हैं, जो भी जानकारियां मिली है उसके आधार पर इन 75 स्थलों को चिन्हांकित किया गया है, और उसमें से जो 51 स्थल हैं उसे विकसित किया जाना है, जिसके प्रथम जो चरण है उसमें 8 स्थलों को विकसित किया जाएगा, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, अगर आपके पास थोड़ा और स्पेस बच जाए तो आप इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि सीतामढ़ी हरचौका सवाई नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर गुफा में 14 कक्ष हैं जिसे सीता माता की रसोई कहा जाता है। रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगड़ा, लक्ष्मण बेंगड़ा और जोगी मारा की गुफा है। बेंगड़ा का मतलब होता है कमरा या कक्ष। यहाँ पर अपने वनवास काल के दौरान जो है राम लक्ष्मण और सीता जी जो हैं वो यहाँ पर विश्राम किए थे। शिवरी नारायण जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मतंग ऋषि का आश्रम है। मतंग ऋषि की जो शिष्या है शबरी, उन्होंने अपने जूठे हुए श्री राम को खिलाया था। तुरतुरिया वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, और लव कुश की जन्म स्थली है। चंद्रखुरी माता कौशल्या की जन्म स्थली, यहाँ पर माता कौशल्या का मंदिर है। राजिम में कुलेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ पर श्री राम ने अपने कुल देवता की पूजा की थी। सिहावा धमतरी जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर सप्तऋषि का आश्रम है, श्रृंगी ऋषि जिनमें से एक है, और जगदलपुर में चित्रकोट है जिसे राम और सीता की लीला स्थली कहा जाता है। कुटुम्बसर की गुफा, यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन लोगों ने कुछ समय के लिए शरण लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 8 स्थल है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने कंटेंट में इसके बारे में भी विस्तार से लिख सकते हैं अगर आपको स्पेस मिला तो, और अगर आपको स्पेस नहीं मिल रहा है तो आप जो प्लेसेस है इसके नाम भी लिखेंगे तो भी एफिशिएंट है। लेकिन आपको अपने आंसर राइटिंग में किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, तो पहला पॉइंट तो ये ही कि रामायण काल जो है छत्तीसगढ़ से कैसे संबंधित है, यहाँ पर क्या हुआ था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको लिखना पड़ेगा, रेफरेंस क्या ले रहे हो आपको ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या हो रहा है वर्तमान पर स्थिति में, वर्तमान में क्या हो रहा है कि इसे पर्यटन के रूप में इन क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, आपको ये बताना पड़ेगा ये क्षेत्र कैसे कैसे, आपको ये बताना पड़ेगा। और इसके बारे में जो भी स्थल है उसको आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन में भी लिख सकते हैं, या सिर्फ प्लेसेस का नाम भी लिख देंगे तो चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋषभ तीर्थ की प्राचीनता पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन द एंटीक्विटी ऑफ ऋषभ तीर्थ। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऋषभ तीर्थ की प्राचीनता के बारे में पूछा गया है। मतलब कि ये क्वेश्चन फोकस कहाँ कर रहा है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को फोकस कर रहा है, ना कि उसके टूरिज्म को फोकस कर रहा है। तो ये आप याद रखिएगा कि आपको जो पूछा गया आपको उतना ही जवाब देना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर ये सोच के बैठा हुआ है कि बाकी सब कुछ आपको आता है लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ बस उतना ही बता दो। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 100 शब्दों में लिखना है, लगभग 10 लाइन आपको मिलेंगी लिखने के लिए। ठीक है, तो आते हैं इसके आंसर पे। तो सबसे पहले आप लोग को ये बताना पड़ेगा कि ऋषभ तीर्थ जो है ये कहाँ है। ऋषभ तीर्थ जो है वो कोरबा से 42 किलोमीटर की दूरी पर और सक्ती से 15 किलोमीटर की दूरी पर बिलासपुर सक्ती राजमार्ग में बरपाली ग्राम के निकट जो है स्थित है। इसे दमाऊदरहा और गुंजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो मैंने इसे 4 काल लिखे हैं जो कि हिस्ट्री से संबंधित है, और आपको इन चारों पॉइंट को समाहित करके अपने आंसर को लिखना है। तो पहला पॉइंट है रामायण कालीन। ठीक है, तो ये जो स्थल है वो रामायण कालीन है। जैसे कि आप लोग को पता है कि श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जब वनवास के दौरान जब यहाँ पर आए थे तो वो जांजगीर चांपा के क्षेत्र में भी आए थे। और ये जो ऋषभ तीर्थ है यहाँ पर ये जो एरिया है ये सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आता है। बहुत सारी ऊंची-ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और इस जगह से 3 किलोमीटर की दूरी पर पंचवटी नामक स्थल है, 5 किलोमीटर की दूरी पर गिद्ध पर्वत है, और यहीं पर समीप पे रेनखोल नामक प्लेस है। रेनखोल मतलब कि रावण की गुफा कहा जाता है इसे। ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि इसी क्षेत्र से रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। किंवदंतियाँ हैं, आपको लिखना है वहाँ पर कि ऐसा कहा जाता है कि। तो ये जो क्षेत्र है ये रामायण कालीन स्थल है। अब हम बात करते हैं महाभारत कालीन स्थल भी है ये। कैसे,
तो महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में ऋषभ तीर्थ का उल्लेख किया गया है और ये कहा गया है कि जो वहाँ के शासक है मोरध्वज, उसके लिए कहा गया है, उसको फोकस क्या बोल उसको संबोधित करके कहा गया है कि हे नरेश्वर, दक्षिण कौशल का जो ये ऋषभ तीर्थ है, यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, स्नान करता है और 3 दिन तक उपवास रखता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऋषभ तीर्थ का उल्लेख जो है वो महाभारत के वन पर्व में किया गया है। तो ये जो स्थल है वो महाभारत कालीन भी है। अब हम बात करते हैं ऋषभ देव के बारे में। जैन तीर्थंकर, पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव, इनके नाम पर ही इस जगह का नाम ऋषभ तीर्थ रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बहुत सारी गुफाएं स्थित है और यहाँ पर वो निवास करते थे और इन गुफाओं में उन्होंने तपस्या की है और इसीलिए इनका इसका नाम क्या रखा गया था, ऋषभ तीर्थ रखा गया था। यहाँ पर इस पहाड़ियों पे ऋषभ देव की मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो इस प्रकार से ये जैन धर्म से रिलेटेड भी है और ये तीनों समय जो है ना ये पैरेलल है। ठीक है, ये 600 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऋषभ देव के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वहाँ पर एक झरना है, जलप्रपात है, जिसे दमऊ दरहा के नाम से जाना जाता है और उसी के समीप एक पवित्र कुंड है। उस कुंड के समीप एक चट्टान है और चट्टान में कुछ लेख अंकित किया गया है, जिस लेख में किसकी जानकारी मिलती है, सातवाहन कालीन शासक कुमार वरदत्त श्री की जानकारी मिलती है। इसमें ये बताया गया है कि जो राजा वरदत्त श्री हैं, उन्होंने अपनी आयु को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गायें जो है वो दान में दी थी। तो इस शिलालेख में क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि ये जो राजा वरदत्त श्री है, इन्होंने अपनी आयु को बढ़ाने के लिए 1000 गायें जो है वो दान में दी थी। तो इस प्रकार से इतने सारे एविडेंस जो हैं वो ऋषभ तीर्थ से प्राप्त होते हैं। गुंजी कहा जाता है इस क्षेत्र को, ऋषभ तीर्थ ऋषभ देव के नाम के कारण इस जगह को क्या कहा जाता है, ऋषभ तीर्थ कहा जाता है। यहाँ पर दमऊ दरहा नामक जलप्रपात है, इसलिए इस क्षेत्र को दमऊ दरहा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको इस सारे पॉइंट्स को समाहित करके अपने आंसर लिखने हैं। रामायणकालीन प्लेस है, महाभारतकालीन प्लेस है, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव यहाँ पर तपस्या किया था उन्होंने, उनकी प्राचीन मूर्ति स्थापित की गई है और सातवाहन कालीन शासक राजा वरदत्त श्री के यहाँ पर शिलालेख प्राप्त हुए जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वाकटक वंश के प्रभाव पर प्रकाश डालिए, हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ वाकटक डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़। तो देखिए, आप लोग को ये बताना है कि छत्तीसगढ़ में वाकटक वंश का प्रभाव क्या था। पूरा जो आंसर है वो इस पे फोकस होना चाहिए, ना कि इस पे कि आप वाकटक वंश की पूरी जीवनी लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा फोकस क्या करना है कि जो भी छत्तीसगढ़ में उसका प्रभाव था उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का दिया गया है, 175 वर्ड्स में लिखना है, लगभग 10 से 12 लाइन आपको मिलेंगे लिखने के लिए, इससे ज़्यादा लाइन नहीं मिलेगा आपको। इतने ही स्पेस में आपको क्या करना है, लिखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, आपको देखना है कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है कि पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है कि कहीं पर मैप इंसर्ट करना है। देखिए, जब भी आप मैप ड्रॉ करेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो जब आप छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे तो वो लगना चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ का मैप है। ऐसा नहीं कि आप छत्तीसगढ़ का मैप बना रहे हैं और आप एक रेक्टेंगल शेप बना दिए या फिर किसी पत्ते का शेप का आप छत्तीसगढ़ का मैप बना रहे हैं, ऐसा नहीं। जब भी कोई जो चेक करने वाला व्यक्ति है, जब वो इसे देखे तो उसे समझ में आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का मैप है, वरना आप मैप मत बनाओ, ये बेहतर है। लेकिन जब भी आप मैप बनाओ तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आपको छत्तीसगढ़ का मैप बना रहे हो तो वो कैसा दिखता है और कैसा होना चाहिए। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, 15 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो जो भी आपके सेंटेंस हैं, जैसे कि सत्येंद्र सर ने बताया है आपको कि जो पिछला सेंटेंस है और जो आने वाला सेंटेंस है उनके बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शुरू के 2 लाइन में किसी और विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं और जो आगे का जो 3 लाइन है उस पर आप किसी और के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इनके बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। आपको भरपूर स्पेस मिला है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, तो पैराग्राफ, पॉइंट्स, टेबल, मैप, आप जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, उस फॉर्म में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं।
तो देखिए वाकाटक वंश की बात चल रही है, तो सबसे पहले आप लोग को ये बताना है कि ये किस क्षेत्र में राज्य करते थे, इनका शासनकाल क्या था और इसके प्रमुख शासक कौन थे। ठीक है, तो वाकाटक वंश जो है इनका जो क्षेत्र था राज्य करने का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा एरिया है, ये जो ऊपर का महाराष्ट्र का जो एरिया है, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ का एरिया, यहाँ पर ये राज्य करते थे। सातवाहनों के बाद वाकाटक वंश जो थे यहाँ पर शासन कर रहे थे। इनकी जो राजधानी थी पहले पुरी का थी जो कि विदर्भ का एरिया है, और उसके बाद नंदीवर्धन हुई जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इनकी राजधानी क्या है, नंदीवर्धन है। ठीक, अब हमको ये बताना है कि ये छत्तीसगढ़ जो है वो कैसे इनके प्रभाव क्षेत्र में आया। तो आप पहले उस समय की जो स्थिति थी उसे बताएंगे, जैसे कि वाकाटक वंश 250 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर राज्य किया। कब से कब तक, 250 से लेकर 500 ईस्वी तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया। इस समय जो उत्तरी भारत का एरिया था यहाँ पर गुप्त वंश का शासन था, और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का क्षेत्र था, मतलब कि इनका जो पड़ोसी राज्य था वहाँ पर नल डायनेस्टी शासन कर रही थी, नल वंश का राज्य था। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि इनके समकालीन शासक कौन कौन से थे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि जब बस्तर के क्षेत्र में नल वंश राज्य कर रहा था तब उत्तर भारत में गुप्त वंश का शासन था, और यहाँ पर इस तरफ जो महाराष्ट्र का एरिया यहाँ पर वाकाटक वंश राज्य कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का एरिया था वहाँ पर कभी वाकाटक वंश का प्रभाव था तो कभी गुप्त वंश का प्रभाव था। देखते हैं ये प्रभाव कैसा था, फिर आप लोग बताओगे कि वाकाटक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, विंध्य शक्ति है। विंध्य शक्ति का पुत्र कौन हुआ, प्रवरसेन हुआ, प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम का शासनकाल था 270 से लेकर 330 ईस्वी तक का। इसने दक्षिण कौशल क्षेत्र पर राज्य किया था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद, जैसा कि आप लोग को पता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान चलाया था और उसी समय उसने क्या किया था, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है उसे अपने अधीन कर लिया था। मैंने आप लोग को बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हरिशयन की प्रयाग प्रस्तुति में जानकारी मिलती है कि उसने महाकांतर के राजा व्यागराज को हराया था। ये जो व्यागराज है ये नल डायनेस्टी का शासक है, तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि 335 ईस्वी के बाद जब समुद्रगुप्त ने यहाँ दक्षिण अभियान किया था तो ये जो छत्तीसगढ़ का एरिया है ये गुप्तों के अधीन आ चुका था। तो आपको अपने आंसर राइटिंग में क्या लिखना है कि प्रवरसेन प्रथम जब राजा बना तो उसने दक्षिण कौशल के क्षेत्र पर राज्य किया, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, समुद्रगुप्त ने अपना दक्षिण अभियान चलाया और ये जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वो गुप्तों के अधीन हो गया। फिर आपको ये बताना है कि प्रवरसेन प्रथम के बाद यहाँ पर कौन कौन शासक हुआ, रुद्रसेन प्रथम हुआ, फिर पृथ्वीदेव प्रथम हुआ, फिर रुद्रसेन द्वितीय हुआ, और उसके बाद रुद्रसेन द्वितीय का पुत्र हुआ प्रवरसेन द्वितीय। आपको इन शासकों की जानकारी नहीं देनी है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ज़्यादा कुछ है नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड शासक है आपको उसके बारे में जानकारी देनी है। तो रुद्रसेन द्वितीय और रानी प्रभावती, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी रानी प्रभावती का पुत्र था प्रवरसेन द्वितीय। इसकी शिक्षा दीक्षा के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबारी कवि कालिदास को यहाँ पर भेजा था, जो कि छत्तीसगढ़ मार्ग से होकर कहाँ पहुँचे थे, इनके एरिए में पहुँचे थे। तो आप ये जानकारी भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय के शासनकाल में उसके राज्य का विस्तार, वाकाटक वंश के राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक हो चुका था। ठीक है, तो इसने जो है अपने राज्य का विस्तार किया था। उसके बाद आप ये बताएंगे कि इसका जो पुत्र था नरेंद्र सेन, इसने कोसल के साथ साथ मालवा और मैकल पर भी अधिकार कर लिया था। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इसने कोसल के साथ साथ मालवा और मैकल पर अधिकार कर लिया था, और उसी समय यहाँ पर कौन राज्य कर रहे हैं, नल डायनेस्टी जो है उसके शासक जो हैं वो राज्य कर रहे हैं। तो राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से जैसा कि समझ में आ रहा है कि ये जो पश्चिमी का एरिया है, छत्तीसगढ़ के जो पश्चिम का एरिया है, यहाँ पर वाकाटक वंश का प्रभाव जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, ये अपने राज्य का विस्तार करते ही चले जा रहे हैं। तो नल वंश के जो शासक है उन्हें इस बात का डर होने लगा कि वो समय बहुत ही जल्दी आ जाएगा जब ये अपने राज्य का विस्तार करते करते हमारे क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो उस समय ऐसा हुआ, 440 ईस्वी के आसपास की बात है, जब वाकाटक वंश का राजा बना नरेंद्र सेन, और यहाँ पर कौन शासक बना, भवदत्त वर्मन। तो भवदत्त वर्मन ने राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से
नरेंद्र सेन पर आक्रमण कर दिया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? रिद्धिपुर के ताम्रपत्र से मिलती है। देखिए, जब भी आप कुछ बताएंगे तो आपको जो एविडेंस प्राप्त हुआ है उसके बारे में आप लिखना नहीं भूलेंगे। आप जब भी कोई बात करेंगे तो साक्ष्य के बारे में लिखेंगे, उसके आधार को रख कर आप कोई बात करेंगे। तो भावदत्त वर्मन ने किस पर आक्रमण किया? नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया और इसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया और उसी की राजधानी से ताम्रपत्र जारी किया और वहाँ के जितने भी तत्कालीन शासक है उसे अचंभित कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटे से एरिया का राजा भावदत्त वर्मन वो यहाँ पर आकर नरेंद्र सेन पर आक्रमण करता है, उसकी राजधानी को तहस नहस करता है और उसी की राजधानी से ताम्रपत्र जारी करता है। उसने ये सब किया और इस प्रकार से इसका जो राज्य है वो कहाँ तक विस्तारित हो चुका था? नागपुर और विदर्भ के एरिए तक यहाँ पर विस्तारित हो चुका था। फिर क्या हुआ? नरेंद्र सेन का जो पुत्र था पृथ्वीदेव द्वितीय, उसने अपने राज्य को पुनः स्थापित किया और अपने खोए हुए राज्य को वापस लेने के लिए भावदत्त वर्मन के उत्तराधिकारी अर्थपति भट्टारक पर उसने आक्रमण किया। जब उसने अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण किया तो जैसा कि पिछले बार हुआ था वैसे ही इस बार फिर से हुआ। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? केसरी बेड़ा और पंड्या पाथर के ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। इस बार क्या हुआ कि पृथ्वीदेव द्वितीय ने जब अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण किया तो उसने इसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया और इस युद्ध में अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो गई और अपना जो भी खोया हुआ क्षेत्र था उसे उसने वापस ले लिया। फिर क्या हुआ कि ये जो अर्थपति भट्टारक है इसकी मृत्यु हो गई तो इसके बाद यहाँ पर गद्दी पर कौन बैठा? उसका जो भाई है स्कंद वर्मन वो बैठा। स्कंद वर्मन ने उस क्षेत्र को फिर से व्यवस्थित किया और अपनी राजधानी को पोड़ागढ़ में बसाया। पोड़ागढ़ के इंस्क्रिप्शन से ऐसा पता चलता है कि स्कंद वर्मन ने पोड़ागढ़ को राजधानी के रूप में स्थापित किया और फिर उसने पृथ्वीदेव द्वितीय के उत्तराधिकारी देवसेन पर आक्रमण किया और उसे युद्ध में पराजित किया। स्कंद वर्मन ने अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस प्राप्त किया, देवसेन को युद्ध में पराजित किया। इससे ये समझ में आ रहा है कि स्कंद वर्मन जो था वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसका जो इंस्क्रिप्शन है, इसके जो शिलालेख है वो स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं? विजेता थे, विजेता हैं और विजेता रहेंगे से। तो इस प्रकार से ये समझ में आ रहा है कि स्कंद वर्मन जो था वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। उसने अपने पूरे खोए हुए क्षेत्र को वापस ले लिया और इस क्षेत्र पे उन्होंने अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि वाकटक वंश का प्रभाव जो है वो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से था, क्यों था और कैसे था। राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से उन्होंने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, इस क्षेत्र पे वो कुछ समय तक राज्य कर रहे थे और नल वंश के जितने भी शासक थे उनसे इनका आक्रमण हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स को समाहित करके आपको अपने आंसर लिखने हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए प्रागैतिहासिककालीन साक्ष्य से उस समय के मानव की आजीविका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द लाइवलीहुड ऑफ ह्यूमंस एट दैट टाइम विद प्री हिस्टोरिक एविडेंस ऑप्टेन फ्रॉम छत्तीसगढ़। मतलब कि आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है? आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिककालीन जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए उससे हमें उस समय के मानव का जीवन कैसा था ये बताना है और उनका विकास कैसे हुआ ये बताना है। मतलब कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर में सब कुछ लिखना है जो आप जानते हो उसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। जो हमारा मोबाइल कोर्स है वहाँ पर जो दूसरा वीडियो है हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ का वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। आप चाहें तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं इस वीडियो को, बहुत ही डिटेल वे में मैंने पढ़ाया है और वो सारे पॉइंट्स को कवर किया है जो कि इस क्वेश्चन के आंसर की डिमांड है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर का फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है और इसे कैसे डील करना है, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 175 वर्ड्स में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये अज्ञात काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का समय है। प्रागैतिहासिक काल इतिहास के उस काल को कहा गया जहां पर मानव अस्तित्व में तो था लेकिन
इसके घटनाओं के कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए। मैंने क्या कहा, मानव जो है वो अस्तित्व में तो था लेकिन इसके घटनाओं के कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। इस समय मानव ने अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने आजीविका के लिए बहुत सारे औजार बनाए, हथियार बनाए, जो भी वस्तुएं बनाई इसने वो केवल और केवल पत्थर के थे। तो इस युग को पाषाण युग भी कहा जाता है क्योंकि इसने अपने ज़रूरतों के लिए जो भी वस्तुएँ बनाई वो जो थे वो किसके थे, पत्थर के थे। ठीक है, उस समय मनुष्य जो था वो पशुओं की भांति जंगलों में, पर्वतों में, कंदराओं में निवास करता था। कंदरा का मतलब क्या होता है, कोई गड्ढा होता है, प्राकृतिक रूप से कोई गड्ढा कह सकते हैं या फिर मानव द्वारा बनाया गया गड्ढा। ठीक है, तो वहाँ निवास करता था और जो उसके आजीविका का आधार था केवल और केवल क्या था, शिकार था। वो शिकार करता था, पत्थरों के औजार बनाता था शिकार करने के लिए, गुफाओं में रहता था और अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गुफाओं में क्या करता था, चित्रकारी करता था। ठीक है, तो आपको ये सब बताना है कि प्रागैतिहासिक काल में ये सब हुआ और विकास क्रम के आधार पर इस प्रागैतिहासिक काल को चार भागों में बांटा गया, चार काल में बांटा गया, चार युगों में बांटा गया। ये चार युग कौन कौन से थे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये फोर पॉइंट्स आपके आंसर में दिखने चाहिए और आपको ये बताना है कि इन सभी काल में मानव का विकास कैसे हुआ और आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ में इस काल से संबंधित कौन कौन से एविडेंस प्राप्त हुए। आपको अपने आंसर में ये सब लिखना है। कैसे लिखोगे, जैसे कि पूर्व पाषाण काल, इस समय क्या था, मानव जो था वो पशु से मानव के रूप में विकसित हो रहा था। इनके आजीविका का जो मुख्य आधार था वो केवल और केवल क्या था, शिकार था। ये बहुत ही वजनदार भारी भारी औजार बनाया करते थे और उससे शिकार करते थे। यहाँ पर पूर्व पाषाणकालीन जो साक्ष्य है वो छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए, महानदी घाटी से और सिंघनपुर की गुफाओं में प्राप्त हुए। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा जो है रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सीधी डंडे के आकार की और सीढ़ी नुमा मानव आकृतियाँ की चित्रकारिता हुई है। यहाँ पर पत्थर के हस्तचलित कुदाल जो है उसकी चित्रकारी हुई है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चित्रकारी की गई है। जो सिंघनपुर की गुफाएँ हैं उनकी जो चित्रकारी है वो गहरे लाल रंग की गई है, ये भी आप बताइएगा। उसके बाद आप ये बताइएगा कि मध्य पाषाण काल, उस काल को कहा गया जब मानव जो था वो पशुओं को पालना प्रारंभ कर चुका था, मछली पकड़ना स्टार्ट कर चुका था, शहद एकत्रित करता था और वो खाद्य संग्राहक बन चुका था। ठीक है, उसके जो औजार थे, उसके जो हथियार थे वो साइज में छोटे हो चुके थे और शार्प हो चुके थे। और इस समय के जो एविडेंस है वो कहाँ से प्राप्त हुए, कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए। कबरा पहाड़ में जो भी चित्रकारिता हुई है वो गेरवे रंग की गई है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाओं का चित्रण किया गया है जो कि उस समय मानव किया करते थे। जैसे कि पंक्तिबद्ध मानव समूह, जब जंगल में वो कहीं जाते थे तो पंक्तिबद्ध होकर जाया करते थे, वो जानवरों से डरा करते थे, मौसम से डरा करते थे, तो हमेशा वो ग्रुप में चलते थे। तो इस प्रकार से ये जितने भी चित्रकारिता हुई थी वो उस समय मानव की स्थिति को दर्शा रहा था, उनकी घटनाओं को चित्रण कर रहा था। बहुत सारे जो जानवर थे उनकी चित्रकारिता की गई थी, सांभर, लाल छिपकली, घड़ियाल, इनकी चित्रकारिता की गई थी। लघु पाषाण के औजार की चित्रकारिता की गई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर औजार के जो साइज थे वो बहुत छोटे हो चुके थे और शार्प हो चुके थे, लंबे फलक के औजार प्राप्त होने लगे थे। तो इस प्रकार से ये आप बताएंगे। फिर उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ, हुआ था कि इनके जो औजार थे और भी ज़्यादा शार्प हो चुके थे और यहाँ पर भी धनपुर, महानदी घाटी, सिंघनपुर की गुफाओं में इनके एविडेंस प्राप्त हुए, आपको ये बताना है। फिर आपको नौ पाषाण काल के बारे में बताना है कि इस समय जो मानव था वो खाद्य का उत्पादक हो चुका था, उसमें स्थायित्व की प्रकृति आ चुकी थी, अब वो घर बनाना स्टार्ट कर चुका था, कृषि करना स्टार्ट कर चुका था। तो नव पाषाण काल के आते आते तक लगभग जितने भी विकास की चीज़ें थी, लाइक वो घर में रहना स्टार्ट कर चुका था, पशुपालन करना स्टार्ट कर चुका था, पहिए की खोज कर चुका था और वो कृषि करना स्टार्ट कर चुका था। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि इनकी जीवन जो थी वो कैसे चल रही थी, इनकी स्थिति क्या थी। और यहाँ पर नवपाषाण काल में छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी, बोनटीला, टेरम, बोनटीला टेरम जो है रायगढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर इसके एविडेंस प्राप्त हुए। हथौड़े, पशु और अन्य रेखांकन किए गए हैं इनके द्वारा, ये सारे एविडेंस जो है वो प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से इस पूरे आंसर में आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ में
कब कब के समय में कहाँ कहाँ कौन कौन से एविडेंस प्राप्त हुए और जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए वो कैसे मानव स्थिति को शो करते हैं, मानव के जीवन को शो करते हैं, आपको ये सभी लिखना है। आपके आंसर में ये चार पॉइंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बाद क्या हुआ, ताम्रपाषाण युग आया, महापाषाण काल आया, लौह युग आया, तो आप इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा दो या तीन लाइन में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके आंसर का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसा होना चाहिए, इसके कंटेंट में अगर आप जाना चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मोबाइल कोर्स में इसके बारे में डिटेल में मैंने चर्चा की है, तो आप वहाँ पर जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आंसर जो हैं डिस्कशन कम्युनिटी में पोस्ट किए थे, उनमें से मैं कुछ स्टूडेंट का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से इसका आंसर जो है लिखा है और इससे बेहतर तरीके से वो लिख सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका नाम है दीपशिखा वर्मा, वेद प्रकाश यादव, रवि कांत चंद्रवंशी, मुकेश श्रीवास्तव, आशीष दुबे, आकांक्षा पांडे। इन्होंने अपने आंसर को बेहतर तरीके से लिखा है और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं ये अपने आंसर में। जिन भी स्टूडेंट्स को अपने आंसर में कमियां नज़र आ रही हैं वो भी अपने आंसर में इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो डिस्कशन कम्युनिटी से नहीं जुड़े हुए हैं वो अभी हमारे वेबसाइट competitioncommunity.com में जाकर डिस्कशन कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, अपने आंसर जो है वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स इस यूट्यूब के वीडियो को देख रहे हैं वो जाकर डिस्कशन कम्युनिटी में जुड़े, क्योंकि मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको आंसर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पे अपने आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को, अपने आंसर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि आपका आंसर कितना बेहतर है और कितना बेहतर ये हो सकता है बाकियों के आंसर को देखकर। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हम उस पर बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ के लोकल डायनेस्टी है, क्षेत्रीय राजवंश हैं और कलचूरी वंश है, उससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर को हम डील करेंगे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।